साईयो। लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक बिन बाप की गरीब निचली जात की लड़की को कैसी कैसी तकलीफें झेलनी पड़ती है। इसलिए मैंने ये सब किया क्योंकि जो गरीबी का दंश मैंने सहन किया है वो मेरी भतीजी को सहन करने की बारी रहा है। बस कीजिए, बहुत हुआ। आप उम्र में बड़ी हैं, झिपरी की आत्या है, इसलिए आपका लिहाज कर रही हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके इन घड़ियाली आंसुओं को हम देख नहीं सकते। आप जो ये उदारता का नाटक कर रही है ना, उससे यहां पर कोई प्रभावित नहीं होने वाला है। चार गांव छोड़ के रहती हैं आप, लेकिन इतने सालों में एक बार भी यहां आकर देखने की कोशिश की कि ये लोग जी रहे हैं या मर गए हैं। लेकिन आज आपको झिपरी में फायदे का सौदा नजर आया तो चली आई इनका हाल जानने, अपनी भतीजी और ननंद का भविष्य संवारने। ए बाईजा, तुम पाटिल के घर वाली हो ना, ऐसे तुम्हें पता नहीं है। लेकिन गरीबी क्या चीज होती है, अगर तुम मेरी जिंदगी जीकर देखो तब पता चलेगा कि दुख झेलना क्या होता है। मैं भी तो इसी गांव की बेटी हूं, यहां पर ही बड़ी हुई हूं। जो कोई भी मुझे जानता है उसे पता है कि मैं किस हालात में बड़ी हुई हूं और कहां मेरी शादी हुई थी। आप लोग जानते हो मेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी। मैं बताती हूं, जैसे मेरे पति की आंखें बंद हुई, हर किसी ने मुंह मोड़ लिया, पराए तो पराए अपने भी। एक अकेली विधवा औरत कितनी मुश्किल से जीती है उसके बारे में तुम लोग क्या जानो। सास ससुर देवर भाभी हर किसी ने नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया मेरे साथ। कोलू की बैल की तरह काम करवाते और चिड़िया जितना खाती है उतना खाना देते। जब मैं बीमार पड़ी तो इलाज करवाने के बदले मुझे धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया गया, यहां तक कि मेरे एकलौते बेटे को भी छीन लिया। अपने बेटे को उनकी चंगुल से वापस लेने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा ये सिर्फ मैं ही जानती हूं। इज्जत के साथ मैंने, एक अकेली औरत ने मेरे बेटे को बड़ा किया। तब कोई नहीं आया था मेरी मदद करने। जाके पाव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। मैंने दुख भोगा है, पैसे का अभाव देखा है, इसलिए जानती हूं कि पैसे का महत्व क्या है। और इसीलिए मैं अपनी भतीजी को एक आरामदायक जिंदगी देना चाहती थी। इसमें मैंने गलत क्या किया? तब तो आपको और भी समझ से काम लेना चाहिए था कि आप अपनी भतीजी के साथ भी वही कर रही हैं जो आपके साथ हुआ था। अपनी भतीजी का भविष्य संवारने चली थी आप, एक ऐसे इंसान से ब्याह करके जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में है। आखिर कितने दिन सुहागन रह पाती हमारी लक्ष्मी, बताइए। और जब सेठ परशुराम गुजर जाते तो क्या हाल होता हमारी लक्ष्मी का?
क्या आपको अंदाजा नहीं है कि इसके साथ भी वही सब कुछ होता जो आपके साथ हुआ है? जिन तकलीफों, जिन परेशानियों से आप गुजरी हैं, जानबूझकर किसी और को उन परेशानियों में कैसे धकेल सकती हैं आप, कैसे झोंक सकती हैं? जिस वैवाहिक जीवन के लिए ये शादी करने जा रही थी, क्या वो जीवन नसीब होता इसे? क्या वो प्रेम मिलता, वो सुख मिलता इसको? क्या पैसा रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक अहमियत रखता है? तुम फकीर हो इसलिए नहीं समझ पाओगे, लेकिन रिश्ते भी आजकल पैसों से ही बनते हैं साईं। पैसा ही प्यार की बुनियाद है। आपकी इसी सोच पर मुझे तरस आता है आई। प्रहलाद, आओ प्रहलाद, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुना था साईं, लेकिन आज आपकी महानता को देख भी लिया। मेरी छोटी बहन को आपने उस दुष्ट आदमी से बचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद वो आपकी ही कृपा थी कि मेरे बैलों ने जबरन शिरडी की राह पकड़ ली और मैं यहां पहुंच गया। तभी मीनाक्षी ने कहा कि मेरे रिश्तेदार यहां रहते हैं और फिर मेरी भेंट मृदुल से हो गई। इसे मैंने अपने रिश्तेदारों के बारे में बताया तो मृदुल ने कहा कि मेरी बहन की शादी हो रही है। बस ये सुनकर के मैं यहां चला आया। प्रहलाद, कैसा है तू? बस कीजिए नाटक, ना तो मैं आपका बेटा हूं और ना ही आप मेरी आई। लगता है तू अब भी मुझसे गुस्सा है। फिर वही नाटक, अब क्यों छुपा रही हैं? अब सबको क्यों नहीं बता देती कि हम साथ साथ नहीं बल्कि अलग अलग रहते हैं? और यहां तक कि माँ बेटे के बीच में बातचीत भी नहीं होती। हे भगवान, शांता अक्का, झूठ पर झूठ, और कितने झूठ बोले आपने हमसे। क्या हुआ शांता ताई, जवाब नहीं मिल रहा है कोई? अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी ना कि रिश्ते भी पैसों से ही बनते हैं। दे दीजिए वो पैसे इन्हें, रिश्तों की दूरी मिट जाएगी, आपका बेटा, आपकी बहू दोबारा आपके साथ आ जाएंगे। आप हमेशा से सोचती रहीं कि आपका प्यारा बेटा प्रहलाद आपसे दूर रहता है, वजह क्या है इसकी? मैं बताता हूं क्या है वजह। इसकी वजह है पैसा। जिस पैसे को आप इतना जरूरी समझती हैं, उसी पैसे ने आपके प्यारे बेटे को आपसे हमेशा के लिए दूर कर दिया है। मैं सराहना करता हूं आपके प्रयासों की। आपने बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाइयों का सामना करके अपने बेटे को बड़ा किया है, और बदले में इन्होंने भी आपका सम्मान किया, आपका मान रखा, आपकी हर बात मानी। पर आप इस पर नियंत्रण करने का प्रयास करने लगी। इसने आपकी हर बात मानी थी, पर आपने क्या किया? जिस लड़की को प्रहलाद पसंद करता था, उससे वो विवाह करना चाहता था, पर आप नहीं मानी।
आपने उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करा दी जो अपने साथ ज्यादा से ज्यादा दहेज लेकर आ सके। इस पर भी जब आपको संतुष्टि नहीं मिली तो आप अपनी बहू को बार बार प्रताड़ित करती रहीं, उसे मजबूर करती रहीं कि वो अपने घर जाए और किसी ना किसी बहाने कुछ पैसे लेकर आए। उसके बाद जब प्रहलाद को यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी पत्नी और उसके माता पिता को आपकी, आपके लालच, आपकी मांगों से बचाने के लिए आपको घर से निकाल दिया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस पैसे को आप रिश्तों के लिए जरूरी समझती हैं, रिश्तों की बुनियाद मानती हैं, उसी पैसे, उसी लालच ने आपको आपके परिवार और आपके बेटे से दूर कर दिया है। जी साई, जिस तरह से आई ने लालच में आकर के आज जो मेरी बहन के साथ किया, मुझे तो लगता है किसी दिन अगर इनको मुझ में या मेरे होने वाले बच्चे में कोई फायदे का सौदा नजर आया तो ये हमें भी बेच देंगी। बस, बस। ये तो क्या कह रहा है? हा? वही जो आपने उसे सोचने पर मजबूर किया है। जानती हैं अगर आज ये शादी हो जाती तो केवल लक्ष्मी का ही भविष्य खराब नहीं होता बल्कि आपका लालच भी और बढ़ जाता। आप ऐसे ही मजलूम, लाचार, बेबस लोगों की मजबूरी का फायदा उठाती, उनकी शादी कराती, बहुत पैसे बनाती हैं आप, पर अंत में नतीजा क्या होता? क्या आपका बेटा आपको वापस मिल पाता? नहीं, आपका बेटा हमेशा आपसे दूर रहता। वो खुद ही दूर नहीं रहता बल्कि अपने बच्चों को, अपनी होने वाली संतान को भी आपसे दूर रखता। वो क्या लाभ है ऐसे पैसे का जिसका आपके अपने उपयोग ना कर सके, जो आपको खुशी ना दे सके, जिसकी वजह से आपके अपने आपसे दूर हो जाएं? बताइए, क्या ऐसा पैसा आपको खुशी दे सकता है? पूरी हथेली जला डाली, न जाने क्या काला जादू कर दिया उन्होंने। अरे रे, अरे रे, अरे अरे रे रे रे, बहुत बहुत बुरा हुआ आपके साथ। लगता है इस हाथ से आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्या कोई काम नहीं कर पाऊंगा? मतलब? हाँ, अगर सही समय पर इलाज नहीं करवाया तो फफोले उठ जाएंगे, फिर उसमें मवाद भर जाएगा, फिर घाव बनेगा। जो कभी नहीं भरेगा, फिर हाथ सड़ जाएगा। हाँ? हो गया ना हाथ खराब। लेकिन हाथ बचाने के लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? आप कुलकर्णी सरकार को मिलने के लिए हमारे साथ चलिए। अच्छा? वो सबसे अच्छे वैद्य है, वही आपका हाथ अच्छा कर सकते हैं। हमारे गांव में भी अच्छे वैद्य हैं। ये नालायक, वहां तक पहुंचते पहुंचते अगर मेरा हाथ और खराब हो गया तो? हाँ तो? क्या ये कुलकर्णी सरकार वाकई में मेरा हाथ ठीक कर देंगे?
हाँ जरूर कर देंगे। शायद आपको पता नहीं है कुलकर्णी सरकार इस पूरे गांव के मुखिया भी है। आज जो आपकी बेइज्जती हुई है, जो धोखा हुआ है, उसकी शिकायत भी आप कुलकर्णी सरकार से कर सकते हो। कुलकर्णी सरकार आपको आपको न्याय जरूर दिलाएंगे, न्याय जरूर दिलाएंगे। आप ले चलो उनके पास। उंडी, तुम मेरे साथ चलना और तुम सब लोग घर चले जाओ। मैं कुलकर्णी सरकार से मिलकर आता हूं। चलिए चलिए। पर प्रहलाद, अगर तुम्हारी आई ने ठीक नहीं किया तो सही तुम भी नहीं हो। हालांकि मैं जानता हूं कि तुमने जो कुछ भी किया है वो अपनी पत्नी और उसके माता पिता को अपनी मां की मांगों से बचाने के लिए किया। उन्हें घर से निकाल दिया। पर अगर तुम चाहते तो अपनी पत्नी को लेकर घर को तुम छोड़ सकते थे, क्योंकि घर तो तुम्हारी आई का ही था ना। पर ऐसा नहीं किया तुमने। तुमने अपनी आई के घर और उसके सामान को उनसे छीन लिया। जीवन की इस अवस्था में उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया तुमने। इस उम्र में खुद को स्थापित करने के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ी, यहां तक कि उनकी आय का एकमात्र स्रोत वो गाय भी तुमने उनसे छीन ली। और अपनी भूल को सुधारने के बजाय ताई ने एक और बड़ी भूल कर दी, सेठ परशुराम से मिलकर। वो परशुराम जिसकी 3 शादियां पहले ही हो चुकी थी। और जिसकी 3 बीवियां केवल इसलिए काल के गाल में समा गईं क्योंकि उसने उनके स्वास्थ्य का, उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखा। और अपनी 3 बीवियों के मर जाने के बाद भी वो बूढ़ा इंसान 4th शादी करना चाहता था। पर कोई भी उसे अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं था। जब शांता ताई की मुलाकात सेठ परशुराम से हुई तो परशुराम ने शांता ताई को एक पेशकश की। उसने कहा कि अगर शांता ताई उसकी शादी करा दे तो वह उन्हें 1000 रुपए देगा। और ये 1000 रुपए शादी कराने का मेहनताना नहीं है, बल्कि परशुराम की उम्र छुपाने के लिए और लड़की के घर वालों को भ्रम में रखने के लिए दिया जाने वाला पैसा है। क्यों शांता ताई, ठीक कह रहा हूं ना मैं? फिर शांता ताई ने सोचा कि वो लक्ष्मी और उसकी मां पर दबाव बनाकर इन लोगों को लक्ष्मी की शादी के लिए राजी कर लेंगी। पर जल्द ही इन्हें अंदाजा हो गया कि लक्ष्मी दबाए जाने वालों में से, कुचले जाने वालों में से नहीं है। वो सीधी और सच्ची बात कहने वाली लड़की है। गलत को हमेशा गलत ही कहेगी। ये जानकर इन्होंने फिर से पैंतरा बदला। तिगड़म का सहारा लिया इन्होंने। वो कहते हैं ना कि गलत करने वालों को बहुत जल्दी कोई साथी मिल जाता है। इन्हें भी मिल गया एक साथी, मृदुल।
जिससे इन्होंने ढोंडी के नाम खत लिखवाया और उसे सुमित्रा के घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। तो मेरा एक काम करेगा? करूंगा ना, पैसे कितने मिलेंगे? पहले काम तो सुन। और फिर शांता ताई ने सुमित्रा को उसकी बेटी लक्ष्मी के सुनहरे भविष्य का सपना दिखाकर भावुक करने का प्रयास किया, पर बात बनती ना देखकर उन्होंने एक नया दांव खेला। इस बार लक्ष्मी के साथ मौका देखते ही उन्होंने सुमित्रा के खाने में कोई ऐसी चीज मिला दी जिसके खाते ही सुमित्रा की तबीयत खराब हो गई। शांता ताई अपनी योजना में लगभग कामयाब हो ही गई थी कि तभी बायजामा बीच में आ गई और इन्होंने ढोंडी और उसके परिवार से मिलने के लिए पुनतांबा जाने की बात कही। अगर बायजामा पुनतांबा चली जाती तो सारा खेल बिगड़ जाता, इसलिए शांता ताई ने एक नई रणनीति अपनाई। और दोबारा उसी लड़के मृदुल का सहारा लिया। वो खत लेकर तू पुतंबा गांव जाना, वहां जाकर किसी को भी पूछेगा ना कि ढोंडी का घर कहाँ है, तो कोई भी तुझे बता देगा। और वो खत ना ढोंडी को ही देना, ठीक है? और उस पत्र को पढ़कर सेठ परशुराम ने अपने बेटे ढोंडी को आप सबसे मिलने के लिए यहाँ शिरडी में भेज दिया और शांता ताई ने सबको ये विश्वास दिला दिया कि ढोंडी ही दूल्हा है। मैं ही आप सबका अपराधी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, साई सच कह रहे हैं। शांता काकी के दिए हुए लालच में मैं आ गया था, लेकिन साई ने मुझे सही रास्ता दिखाया। भाई, आपका लालच इतना बढ़ गया कि आप एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी, और वो भी अपनी भतीजी की।